Hi everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. We get down to the beat, y'all. We get down, down. So, कुछ वीडियोस में मेरे पास कमेंट्स आ रहा था कि जब से मैंने आई थिंक वो सत्तू वाला वीडियो डाला ना जिसमें मैं बता रही हूँ मेरा हेयर फॉल कम हो गया है तो आप अपना हेयर केयर रूटीन बताओ, स्किन केयर रूटीन बताओ, ऐसा करके कुछ. बिकॉज आपको पता होगा तो मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ मेरी जो स्किन है वो एक्ने प्रोन स्किन है. सो नाउ इट स्टार्टेड गेटिंग थोड़ा एक्ने, मेरा सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गया है. और वो बहुत चेंजेस नहीं है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में भी, बट हाँ कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अमेजन से मंगवा रखे हुए हैं वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ. जिस मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक इंटरनल डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट साथ ही साथ इन एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स ने भी मेरे को काफ़ी हेल्प करी है. सो सबसे पहले आते हैं हेयर केयर रूटीन पे, बिकॉज हेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं. सो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने बालों को स्टाइलिंग भी बहुत करती हूँ, मतलब कर्ल्स वगैरह मेरे होते ही रहते हैं. कल भी मैंने अपने बालों को हल्का सा फोल्ड किया था नीचे से, बट अभी वो क्या है वेदर ऐसा हो रखा है ना तो वो वापस से नॉर्मलाइज हो गए हैं. सो क्या कर रही हूँ मैं भी, शैम्पू रूटीन अपना बताती हूँ आप लोगों को. सो आई एम यूजिंग दिस अवीनी हर्बल का शकुंतला हेयर क्लेंजर. आई रियली लव दिस प्रोडक्ट, मतलब मुझे तो ये बहुत पसंद आया. जब से आया है मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ मुंबई जाती हूँ तो वहाँ पर मेरे पास सोप बार है वो यूज़ करती हूँ दूसरे ब्रांड का. तो बस वो ये शैम्पू और या फिर वो एंड मैच टू मैच में अगर कोई और नहीं है ऑप्शन तो फिर मैं मामाअर्थ का जो कर्ड शैम्पू है वो यूज़ कर रही हूँ. इसके अलावा मैं कोई और शैम्पू अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही हूँ. और साथ ही साथ मैं कंडीशनर में यूज़ करती हूँ त्रिचक का ऑयल, हॉट ऑयल हेयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क. एंड मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ गाइज, एंड लिटरली मैं मेरे मुँह से आपको इसके बारे में कभी भी नेगेटिव सुनने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा. एंड हर्बल प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग वर्क करता है, बहुत अच्छा लगता है बालों में जब इसको मैं यूज़ करती हूँ. तो इसको मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे मैंने इन अभी जो ये किया है इसमें कंडीशनर यूज़ नहीं किया है बिकॉज ये शैम्पू करने के बाद मुझे कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. इमेजिन इतना ज़बरदस्त काम करता है ये मेरे बालों पे. मेरा जो हेयर फॉल है वो काफ़ी हद तक डेफिनेटली केमिकल्स शैम्पू बंद करने से भी काफ़ी कम हुआ है. 1 साल से ऊपर हो चुका है मैंने अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, इवन हेयर स्पा भी पार्लर में जाकर के या सैलों में जाकर के नहीं लिया है. दिस इज़ ऑल माई नेचुरल हेयर. हल्के से ये क्या बेबी हेयर जो मेरे ना जब बारिश का सीज़न होता है तभी ऐसे ऐसे राउंड राउंड हो जाते हैं, बाकी फिर अभी जैसे ये बारिश का सीज़न चला जाएगा ये सब सेटल डाउन हो जाएंगे. बाकी और कुछ अभी तक मुझे मेरे बालों में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, हेयर फॉल काफ़ी रिड्यूस हुआ है. इंटरनल डाइट तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक्सटर्नली मैं ये यूज़ कर रही हूँ. उसके अलावा जब मैं स्टाइल करती हूँ अपने बालों को, जैसे मैं हीट यूज़ करती हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ऑरिकल ऑयल ट्रीटमेंट. ये सेरम का काम भी करता है, हीट प्रोटेक्शन का काम करता है कि नहीं करता मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि करता है क्योंकि मैं कोई और हीट प्रोटेक्शन अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ. वैसे मैं बी ब्लेंड का करती थी बट मैं नहीं कर रही हूँ अभी, मैं सिर्फ अकेला इसको ही यूज़ कर रही हूँ और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं. अभी मैं ये 3 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, कोई मल्टीपल तामझाम नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल चीज़ों पर आ गई हूँ मैं. मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिजल्ट अच्छा आ रहा है. नाउ कमिंग टू माई स्किन केयर प्रोडक्ट. ओके, सो आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने स्किन केयर में एक पाउडर बताया था जो कि था चंदन पाउडर. दिस इज द चंदन पाउडर विच आई एम यूजिंग. डेली नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में 3 बार मैं इसको यूज़ करती हूँ, पानी मिला करके लगा लेती हूँ. गर्मी है, चिपचिपा वेदर है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मेरी स्किन पे. फेस वॉश मेरा कोई सिंगल चल नहीं रहा है, वो मेरे पास काफ़ी फेस वॉश आते रहते हैं ब्रांड की तरफ से तो मैं वही उन्हीं को ही यूज़ करती हूँ. तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ एक्वालॉजिका का डी टैन स्मूदी फेस वॉश. एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मतलब सुबह उठते से आप इससे फेस वॉश कर लो ना तो आपको वैसी इतनी फ्रेशनेस लगने लगती है, बहुत अच्छा लगता है फेस. फिर दिन भर में मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, जैसे अभी मैंने हल्का सा मेकअप लगाया हुआ है तो डेफिनेटली मुझे फेस वॉश यूज़ करना पड़ेगा. अदरवाइज मैं दिन भर घर पे रहती हूँ तो मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पानी से, ठंडे पानी से चेहरा धोती जाती हूँ. तो फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले मैं ये कावा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर जो है वो स्प्रिंकल करती हूँ अपने फेस पे, एंड बहुत अच्छा लगता है ये लगाने के बाद फेस पे लिटरली, और उसको ड्राई अप होने देती हूँ. समटाइम्स अगर मैं घर पे हूँ शाम को रात में, नाइट स्किन केयर रूटीन मेरा यही है. इमेजिन आई यूज़ टू अप्लाई लॉट ऑफ यू नो नाइट क्रीम्स, नाइट सीरम्स, ये वो फलाना ढिमकाना, सब बंद कर दिया मैंने. फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन में ड्राइनेस आ गई है क्योंकि जो प्रोडक्ट मेरे को बहुत पसंद था ना नाइट स्किन केयर रूटीन में वो प्रोडक्ट अभी आना बंद हो गया है बॉडी शॉप का. तो मैं अभी आई एम स्टिल सर्चिंग कौन सा मुझे यूज़ करना है, या मैं कोई अच्छा सा ऑयल ढूंढ रही हूँ, बट जो मैं आयुर्वेदिक ऑयल देख रही हूँ ना हर्बल वाले वो सब आते हैं 2,500-3,000 के ऊपर के. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑयल एक्ने प्रोन स्किन है, अगर वो सूट नहीं किया या समथिंग लाइक दैट तो पहले मैं टेस्टर खरीदूंगी फिर देखूंगी अप्लाई करके, तो वो जब आएगा तब मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी.
दिन में अगर, क्योंकि मेरे स्किन पे आजकल क्या हो गया है, ड्राइनेस भी होती है, तो समटाइम्स अगर ड्राइनेस फील होती है तो मैं विटामिन सी का, ये द बॉडी शॉप का विटामिन सी यूज कर लेती हूँ, एंड अदरवाइज एक्वालॉजिका की मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मुझे नॉर्मली यूज करने के लिए एक्वालॉजिका के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली काफी अच्छे लगे हैं। एक्ने वगैरह अगर रहता है एक्टिव, जैसे अभी मेरे फेस पे ना ही कोई एक्टिव एक्ने है, कुछ पिगमेंटेशन है फिलहाल के लिए, तो अगर पिगमेंटेशन होता है, मार्क होता है, तो फिर मैं डेफिनेटली अलग चीज यूज करती हूँ। बट अभी जब तक कुछ नहीं चल रहा है सिंपल स्किन केयर, फिर मैं वैसे ही सिंपल कर देती हूँ अपना स्किन केयर को। उसके बाद बॉडी शैम्पू में भी मैं यूज कर रही हूँ एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस स्क्विशी शार जेल, इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत रिफ्रेशिंग है, इससे शार लेना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अगर मुझे कुछ जैसे शूट वगैरह कर रही हूँ, जैसे मैं शूट कर रही हूँ या फिर मुझे कहीं आसपास जाना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल अपने फेस को दिखाना होता है, देन आई यूज दिस मामाअर्थ का हाइड्रा ग्लो सीरम, जो कि टिंटेड सीरम है, और बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे इसका। एक तो इतना लाइट वेट है आपके फेस पे, गर्मियों में ना आपको वैसे ही कम से कम प्रोडक्ट लगाने का मन करता है, ज्यादा चीजें लगाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। बट हाँ, शूट वूट कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, तब मैं इसको यूज करती हूँ। कमिंग टू माई लिप बाम, मुझे ये मतलब मामाअर्थ के लिप बाम्स मुझे काफी पसंद है, वो भी मैं यूज करती हूँ। बट दोनों जो शाइनी वाले लिप बाम्स होते हैं, जैसे अभी मैंने लगा के रखा है, तो आई यूज दिस रैस RAS लग्जरी ऑयल, मुझे काफी अच्छे लगे। तो ये जो लग्जरी ऑयल है, ये बाय रास है, एंड मुझे काफी अच्छा लगा। RAS लिप बाम्स है एक्चुअली ये, तो मैं इनको लिप बाम की तरह भी यूज करती हूँ। आई यूज दिस एज टिंट एज वेल, मैंने अपने चीक्स पे भी इन्हीं को लगा के रखा है, बहुत अच्छी सी शीन आ जाती है फेस पे, आपको हाईलाइटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहें तो अपने आईलिड्स पे भी लगा सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं इन्हीं को यूज कर रही हूँ, काफी छोटे छोटे हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे तब मैं इनका बड़ा वर्जन लूंगी, जो कलर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा। जहां आपने खाना कुछ खाया या आपने पानी पिया, तो डेफिनेटली आपकी लिप्स से ये फेड होने लगता है, ये एक ड्रॉबैक है। बाकी अगर आपको इसके ड्रॉबैक से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, आई रियली लाइक दिस एज वेल। नाउ कमिंग टू माय लास्ट प्रोडक्ट इज दिस प्लम का, ये बॉडी लविंग वनीला वाइब्स, आई रियली लव दिस प्रोडक्ट अगेन। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, सबसे बेस्ट चीज है, काफी अफोर्डेबल है, चलता बहुत है, सही है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी। तो समर्स के लिए, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब मेरा समर एंड रेनी सीजन स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन आप बोल सकते हो। एकदम सिंपल सॉर्टेड, बोलते ना 30 के बाद आपको स्किन केयर ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा वैसा, उल्टा मेरा 30 के बाद जो स्किन केयर रिजीम है ना, वो और सॉर्टेड होता जा रहा है। हाँ, अगर स्किन पे कुछ कंसर्न है, पिगमेंटेशन है, तो उसका रूटीन मेरा अलग रहता है, बट फॉर नाउ दिस इज माई सिंपलेस्ट स्किन एंड हेयर केयर रूटीन जो मैं अभी फिलहाल फॉलो कर रही हूँ। सो आई जस्ट होप कि मेरा यही सिंपल एंड सॉर्टेड स्किन केयर चलता रहे, कंटिन्यू रहे इसी तरीके से। तो सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। अमेजन पर सब अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा सारे प्रोडक्ट्स। आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।